नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का एक सिनेमैटिक वीडियो टेस्ट। तो आईफोन 13 है मेरे पास एंड इसका हम सिनेमैटिक वीडियो टेस्ट करेंगे। अभी इसे रिसेंटली ही एप्पल ने लॉन्च किया था एंड ये एक ऐसा फीचर है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था एंड लॉन्च इवेंट में तो काफ़ी इंप्रेसिव भी लगा था। बट एक्चुअल कंडीशन में ये किस तरह से वर्क करता है, कितना अच्छे से वर्क करता है, नहीं करता है, उस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम आउटडोर कंडीशन में ही नहीं बल्कि इंडोर कंडीशन में भी इसे टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। एंड वैसे ये जो सिनेमैटिक मोड फीचर है वो आपको फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड जो आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बोके वीडियो मिलता है ये उस तरह का फीचर नहीं, उससे डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिनेमैटिक मोड को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है एंड आई डोंट नो अभी फोकस मेरे ऊपर है या फिर इसके ऊपर है, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है। एंड यहाँ पे मैं अभी साइड में देखूंगा एंड हम देखते हैं कि फोकस कितना एक्यूरेटली यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो फोकस शिफ्ट हुआ था कि नहीं आप लोगों ने देखा। एंड वैसे यहाँ पे जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनल जो माइक्रोफोन है उससे। तो आपको आइडिया लगेगा कि ऑडियो पिकअप यहाँ पे किस तरह का आपको मिलेगा। एंड अगर अभी डिस्टेंस के बारे में बात करी जाए तो अराउंड 3 से 4 फीट का डिस्टेंस है मेरे और फोन के बीच में। एंड फोन को मैंने अभी ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है। तो अगर आप इस तरह के भी कुछ वीडियोस वगैरह शूट करना चाहते हैं जहाँ पे तीसरा आदमी नहीं है एंड आप इस तरह से चेक करना चाहते हैं तो फिर आप ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं। तो सिनेमैटिक मोड में यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट कितना अच्छे से वर्क करता है उस चीज़ को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो अभी ये वॉक करके दिखाएगी एंड देखते हैं हम यहाँ पे कितना अच्छे से ये फोकस कर पाता है। एंड कैमरे को भी मैं साथ में मूव करूँगा। तो यहाँ पे अभी तक तो काफ़ी सही तरीके से मूव कर रहा है एंड फोकस को एकदम ही रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लॉक नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर रहा है एंड देखते हैं। तो यहाँ पे ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं। ओके, दूर जाओ थोड़ा। ओके, तो अभी डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ही यहाँ पे बैकग्राउंड एंड जो सब्जेक्ट है दोनों यहाँ पे फोकस में आ गए हैं। अभी क्लोज आ जाओ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लर इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे भी अगेन ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है एंड काफ़ी सही तरीके से वर्क भी करता है। एंड यहाँ पे जो सिनेमैटिक मोड है उसमें जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी के ऊपर ये फोकस करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो आपका फ्रेम है वहाँ पे एक ही ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये साइड में देख के दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे फोकस होता है कि नहीं। तो साइड में देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोकस शिफ्ट नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे कोई है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिस पे कैमरा फोकस कर सके। अगर आप सिर्फ अकेले हैं कुछ चीज़ों के ऊपर आप देखेंगे तो फिर आपका फोकस शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, उसको अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस शिफ्ट नहीं होता। तो रियर कैमरा में किस तरह से वर्क करता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, बट अभी हम फ्रंट कैमरा में देख लेते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे ये कितना एक्यूरेटली वर्क कर पाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फोकस मेरे ऊपर है, अभी मैं पीछे देखूंगा एंड देखते हैं कि फोकस वहाँ पे शिफ्ट होता है कि नहीं। तो आई डोंट नो फोकस शिफ्ट हुआ। ओके, तो मुझे तो पता नहीं था बिकॉज मैंने साइड में देखा था बट इसने मुझे बताया कि फोकस शिफ्ट हुआ था। एक और बार ट्राई करके देखते हैं एंड यहाँ पे हम मूवमेंट करके भी देख लेते हैं। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया है हमने तो इतने डिस्टेंस पे फोकस शिफ्ट होता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। अभी तो उसको भी नहीं दिखा होगा बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ को ये ब्लर आउट नहीं कर रहा है। नहीं तो जनरली जो भी मैंने एंड्रॉयड स्मार्टफोन का बोके मोड टेस्ट किया है वहाँ पे मैंने ये इश्यू नोटिस करा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये जो सिनेमैटिक वीडियो मोड है तो ये जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फोकस शिफ्ट होता है, बट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग एकदम ही क्लोज है बट उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इसने ब्लर आउट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब दो लोग एकदम पास में होते हैं तो फिर वहाँ पे दोनों फोकस में होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी साइड में देखता हूँ एंड लेट्स सी फोकस वहाँ पे शिफ्ट होता है कि नहीं। वाह, तो मुझे साइड में देखना पड़ता है तब जाके फोकस शिफ्ट होता है, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इसने ब्लर आउट कर दिया है। तो अगर आप दो लोग हैं
एंड इस मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ अकेले हैं, दूसरा बैकग्राउंड में थोड़ा सा दूर है, तो फिर ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इंडोर कंडीशन में भी इसी तरह के सैंपल्स देख लेते हैं। तो आउटडोर कंडीशन में तो हमने देख लिया कि जो सिनेमेटिक मोड और रियर कैमरा किस तरह से वर्क करता है। अभी हम इंडोर कंडीशन में देख लेते हैं एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन है एंड एक लाइट यहाँ पे जला रखी है, उसके अलावा एक रिंग लाइट मैंने रखी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोकस शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, जैसे अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट फिर से देख लेते हैं। अभी मैं थोड़ा साइड में देखता हूँ एंड देखते हैं यहाँ फोकस तेजी से शिफ्ट होता है या फिर शिफ्ट होता है कि नहीं। तो ये ज्यादा ही पीछे है, मैं कहीं और देख लेता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे फोकस शिफ्ट हुआ कि नहीं देखिए, एंड ये फ्रंट कैमरा में सिनेमेटिक मोड को ऑन किया हुआ है एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऊपर फोकस है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं फोकस कितना तेजी से शिफ्ट होता है। हुआ तो हो तो रहा है, यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। टाइम ले रहा है इंडोर में, जितना एक्यूरेटली आउटडोर में हो रहा था उतना एक्यूरेटली इसमें नहीं हो रहा है। इंडोर में इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप ही सिर्फ बोलना चाहते हैं तो आप ही बोल सकते हैं, तो पीछे कोई बोल रहा है आप सामने देखेंगे तो फिर आपके ऊपर फोकस आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिनेमेटिक मोड में रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे सिनेमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप अपर्चर चेंज करना चाहते हैं यानी कि जो ब्लर लेवल है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2.8 पे रहता है, अभी से हमने बढ़ा दिया, मानिए 2.5 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपोजर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, हाईलाइट्स, शेडोज, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ये विविड है जहाँ पे कलर्स बढ़ जाते हैं, विविड एंड वॉर्म है, विविड कूल है, ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक वॉर्म है, ड्रामेटिक कूल है, मोनो है, सिल्वर टोन है, तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप वीडियो को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोकस को शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऊपर फोकस है एंड यहाँ पे ये ब्लर आउट किया गया बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो ये वाला एरिया फोकस में रहेगा एंड मैं ब्लर आउट हो जाऊँगा। तो आप शूट करने के बाद भी यहाँ पे ये सारे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसी वजह से मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। एंड अगर कहीं पे ऑटोमेटिकली ठीक से फोकस वगैरह नहीं आया है तो अपने हिसाब से आप चेंज कर दीजिए, जस्ट टैप कर दीजिए एंड उसके बाद डन कर दीजिए तो फोकस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है एंड जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये मोड देखने को मिलता है वहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसी वजह से मैंने बोला कि इसका जो सिनेमेटिक मोड है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है एंड रिकॉर्ड करने के बाद भी आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं एंड आउटडोर कंडीशन एंड इंडोर कंडीशन, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों में ही ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। बट ह्यूमन सब्जेक्ट वहाँ पे जरूरी है, अगर वेयर रहता है तभी ऑटोमेटिक ये फोकस को शिफ्ट करता है, नहीं तो आप मैन्युअली भी फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एंड यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कैसे एडिट कर सकते हैं, क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक से फोकस वगैरह नहीं आया है तो उसको आप बाद में ठीक भी कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर लगा है एंड कंटेंट क्रिएटर के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी ये मुझे काफ़ी सही फीचर लगा है। तो पर्सनली मुझे ये फीचर काफ़ी सही लगा है। बाकी आपको ये फीचर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।